हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज अपन करने जा रहे हैं नीट के और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो बेसिकली नीट में भी आ चुका है, जो कि बेसिकली किस में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जो जेईई मेन में भी आ चुका है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जेईई मेन 2007 में भी क्वेश्चन आ चुका है और नीट 2015 में इट इज रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आइए अपन फटाफट इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आप जब क्वेश्चन को एंड तक पहुँचोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आइए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इसमें थोड़ा ढंग से नहीं बता रखा। देखिए यहाँ से शुरू में यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक तो इनपुट वोल्टेज सिग्नल यहाँ बता रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं एक बार अपन दोबारा से। क्वेश्चन है क्या बच्चा पार्टी, इन एन पी एन जंक्शन डायोड ए स्क्वायर सिंगल ऑब्टेन वोल्टेज अप्लाइड। अच्छा, एज शोन इन द फिगर, इस प्रकार हम बता रखा है। तो अपन से पूछ रहा है कि द आउटपुट जो होगा एक्रॉस द आर एल, जो अपना लोड रेजिस्टेंस है उसके एक्रॉस किस प्रकार का होगा। हाँ, ये देखते हैं। इस पर पहले आप देखना, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। क्या हम यहाँ से यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि जो अपना इनपुट वोल्टेज जो माइनस का 5 है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट वोल्टेज प्लस का 5 है और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चलूँ तो इनपुट वोल्टेज और माइनस का 5 हो गया। आइए अपन इसी हिसाब से करते हैं। पहले माइनस 5 लगाते हैं इसके एक्रॉस, फिर प्लस के 5 लगाते हैं, वापस माइनस के 5 लगाते हैं इस जो अपना ये है ना इसके एक्रॉस वोल्टेज को। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक बार क्वेश्चन को आपको समझा दिया मैंने। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 5 लगाने जा रहा हूँ। मैंने माइनस 5 लगाता हूँ किस इस प्रकार से आप समझना। इसको मैं 0 बोल देता हूँ, इसको मैं 5 बोल देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एक ये पॉइंट ही रहा, एक ये पॉइंट रहा, इसके अक्रॉस अपन ने माइनस 5 लगाने जा रहे हैं। तो आप देखना 0 में से 5 घटाइए तो माइनस 5 ही आएगा ना। तो फर्स्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने इसको 0 ही बोल दिया, इसको 5 पे बोल दिया। तो अपन समझ पा रहे होंगे क्या ये हायर पोटेंशियल पे होगा, क्या ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो यहाँ पर जो डायोड लगा है इसका ये तो पी वाला पार्ट होगा, एन वाला पार्ट होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो पी वाला पार्ट है वो लो पोटेंशियल से जुड़ा है और एन वाला पार्ट किससे, हायर पोटेंशियल से जुड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये कौन सी बायस में है, रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में होगा। तो ये जो अपने पास जो डायोड है क्या वो किस प्रकार वर्क करेगा, पूछा पार्टी अपने पास जो डायोड है वो वर्क करेगा एज ए डायोड। आप समझना, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको अपने पास जो डायोड है यहाँ पर वो डायोड ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर कोई डायोड ही नहीं है और करंट ही नहीं जा जाएगा, ऐसा आप समझ रहे हो ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। डायोड गायब कर दिया मैंने, आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड होगा वे भी 0 हो जाएगा। बिकॉज करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट क्यों 0 हुआ, बिकॉज यहाँ पर अपने रिवर्स बायस देखा ना, रिवर्स बायस में क्या देखा, तो मैं कह सकता हूँ जो अपने पास यहाँ पर जो डायोड वगैरह जो भी लगा था वह किस प्रकार से वर्क करेगा, जो ओपन की तरह वर्क करेगा। जैसे कि वहाँ कुछ है ही नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है ना आपको, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ के बाद में आगे क्या हो गया, करंट ही नहीं जाएगा। अब आप अगर अपन चलते हैं प्लस के 5 वाले पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का देख लिया अपने माइनस 5 वाला, अपन चलते हैं प्लस 5 वाले पे। ओके, तो प्लस 5 वाले पे चले बच्चा जी। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्लस 5 वाले पे चल रहे हैं, यानी कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। प्लस 5 किस प्रकार लगा सकता हूँ, मैं इधर 5 मान लूँ, इधर 0 मान लूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे 5 में से 0 को घटाया तो कितना आएगा, 5 माइनस 0 यानी प्लस का 5 ही आएगा। और इसमें क्या था, इसमें 0 में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, माइनस 5 आ रहा था वही अपन को लगाना था। वैसे यहाँ पर प्लस का 5 है तो इसको मैंने 5 मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा। और एक कौन से पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे हैं। और ये वाला पी पार्ट और इसका एन पार्ट डायोड का जो होता है, क्या आप ये वाली बात जानते हो बच्चा पार्टी कि ये वाला पार्ट पी पार्ट होता है, ये वाला पार्ट एन पार्ट होता है, जो मैंने यहाँ बता रखा है। तो मैं कह सकता हूँ जो पी वाला पार्ट है वह हायर पोटेंशियल पे जुड़ रहा है, कि कौन सी बायस में है, ये कौन सी बायस में, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो जो अपना पास जो डायोड होगा किस तरह वर्क करेगा, एस ए शॉर्ट सर्किट तरह वर्क करेगा, यानी अपन इसको पूरे एक तार की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा बच्चों, पार्टी आप समझना ध्यान से। जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से बन जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ डायोड को, और इसकी जगह मैं क्या किसको लगा रहा हूँ, मैं इसको इस जगह एक मान सकता हूँ कि अपने पास क्या हो गया, और अपने पास एक ओपन तार हो गया। एक पॉइंट ये रहा अपने पास जहाँ प्लस का 5 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट है, क्या यहाँ से करंट बह जाएगी? यस बच्चा जी, पहले वाले में करंट क्यों नहीं बहती? बिकॉज यहाँ बीच में अपन ने क्या करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन तार की तरफ वर्क करता है और इसमें शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करेगा, तो करंट बह जाएगी, यानी कि वोल्टेज जो एक्रॉस, यानी कि मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज एक्रॉस द लोड जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, 5 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट अपन वापस चलते हैं, आगे क्या बता रहता है आगे देखना आप बच्चा पार्टी। यहाँ पर ये वापस कितने -5 वोल्ट पे आ गया ना, तो अब अपन नेक्स्ट केस लेते हैं -5 वोल्ट वाला। अब यहाँ वाली पार्ट की अपन चर्चा करते हैं, तब आउटपुट अगर निकल आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वापस -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट है, इसको मैंने 0 मान लिया, इसको 5 वोल्ट मान लिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ वापस रिवर्स बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो वापस से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो अपने पास डायोड है वह एज ए ओपन तार ओपन की तरह वर्क करेगा, यानी कि करंट को नहीं बहने देगा, करंट को नहीं बहने देगा, तो वोल्टेज एक्रॉस द लोड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो अपने पास जो फाइनली जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, अपने देखना शुरू में तो क्या था, शुरू में भी वोल्टेज की वैल्यू 0 थी, है ना। बाद में वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, प्लस के 5 आ रही हैं, और वापस वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही हैं। तो इससे कोई ना कोई से ऑप्शन, अब इसके हिसाब से अपन डायग्राम बनाते हैं। पहले कितना था, 0 था, फिर कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया था, फिर प्लस का 5 हो गया, और वापस अब देखना वापस कितना हो गया, वापस 0 हो गया, है ना। ये 0 वोल्ट था, प्लस का 5 हो गया अपने पास, वापस 0 हो गया, यही तो अपने आउटपुट आया ना। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या बच्चा पार्टी? हाँ जी, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बेसिकली आंसर क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर हिसाब से देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, जे वाले क्वेश्चन में इसमें ए वाला आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।